सुझाव दिया था, फिर देता हूँ मैं सुझाव। यूपी में विधानसभा का मॉनसून सेशन जारी है और सेशन के दौरान सरकार को घेरने के लिए सपा का सड़क से सदन तक एहतजाज भी हो रहा है। महंगाई और बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर सपा योगी सरकार को घेरने में लगी हुई है। कल सड़क पर एहतजाज के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सदन में अखिलेश यादव ने कस्टोडियल डेथ और अस्पतालों की दुर्व्यवस्था का मुद्दा उठाया। कोरोना के बाद और कोरोना के समय पर जो देखा है लोगों ने, आज भी भूला नहीं जा सकता। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद जो दुर्दशा कोरोना में हुई, हम अपने अस्पतालों को नहीं सुधार पाए। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब में हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। मैं खुद मौके पर गया हूं। अखिलेश के सवाल का जवाब देने के लिए खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला। अपनी सरकार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए काम को गिनाते हुए योगी ने अखिलेश पर खूब तंज कसे। योगी ने कहा कि हमें विरासत में जो विकृति मिली थी, उसी को हम सुधार रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह हम प्रतिबद्ध हैं और सरकार उसको पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगी। जो भी अगर कहीं पे कोई लापरवाही होती है, उसकी जवाबदेही भी उस स्तर पर विभाग के द्वारा, शासन के स्तर पर सुनिश्चित होती है। सीएम ने विधानसभा में सपा सदर पर जमकर हमले किए। सीएम ने कहा कि सपने जब तार तार होते हैं तो उसका दुख तो होगा ही, और उनकी बातों में दुख झलक रहा था। सपने जब तार तार होते हैं तो उसका दुख होगा ही, और उनकी बातों में वो दुख झलक भी रहा था, लेकिन हमें जनता जनार्दन के फैसले को स्वीकार तो करना पड़ेगा। सीएम योगी ने अखिलेश के सवालों का जवाब देते हुए तंज भरे लहजे में कहा, समाजवादी पार्टी और सच नदी के दो विपरीत बातें हैं। सीएम के इस बयान के बाद सपा ने सदन वॉकआउट कर दिया। विधानसभा का मानसून सत्र सड़क से लेकर सदन तक राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलने के प्रयास की तो नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने एक एक सवाल का जवाब देते हुए नजर आए। विधानसभा का मॉनसून सेशन 23 सितंबर तक चलेगा, लेकिन अपोजिशन के रवैये को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो सरकार से सवाल तो करती है, लेकिन जवाब सुनने का हौसला नहीं रखती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।